युग उस आग के उल्लू को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, ये तो कुछ कुछवा दौत्य उल्लू है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कछुआ युग के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही कायर बोल पड़ता है, वही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा युग कि ये कुछ कुछवा उल्लू यहाँ पर क्या कर रहा है। मैं और कछुआ तो बस ऐसे ही बात करने के लिए छत पर आ गए थे। और फिर कायर अपनी बात पूरी करता उससे पहले यामिनी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, बात करने के लिए छत पर आ गए थे? ऐसी क्या बात थी जो तुम दोनों हवेली के अंदर नहीं कर सकते थे और वो बात करने के लिए तुम्हें छत पर आना पड़ा, वो भी इस काली बारिश में? यामिनी का सवाल सुनकर कायर घबराने लग जाता है, उसके कुछ समझ नहीं आता है वो क्या बोले। कायर कुछ सोच पाता उससे पहले ही कछुआ अपनी चालाकी दिखाते हुए हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, वही यामिनी हमारी फालतू की बातें, तुम्हें तो पता ही होगा कि हम दोनों कितनी बकवास करते हैं, तो वही करने के लिए छत पर आ गए, सोचा जरा हम भी देख लें कि काली बारिश की बूंदें कैसी होती हैं। तुमने ये सब छोड़ो, जरूरी बात ये नहीं है कि हम लोग यहाँ छत पर क्या बात करने आए थे, जरूरी बात तो ये है कि हमें यहाँ आसमान में कुछ कुछवा उल्लू उड़ता हुआ दिखाई दिया। कछुआ यामिनी को छोड़कर युग से बात करते हुए कहता है, जब हमें कुछ कुछवा उल्लू दिखाई दिया तो युग हम तुझे बुलाने के लिए आ गए, सोचा तुझे भी पता होना चाहिए, हम थोड़ी तुझसे अब कोई बात छुपा सकते हैं। कछुए की बात में एक तंज कसा हुआ था और यामिनी उसे समझ गई थी। युग कछुए की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान इस वक्त कुछ कुछवा उल्लू पर था। युग आसमान में उड़ते कुछ कुछवा उल्लू को देखते हुए कहता है, पर ये कुछ कुछवा उल्लू यहाँ पर क्यों उड़ रहा है, वो भी काली बारिश में? कछुआ युग के सवाल का जवाब देते हुए उल्लू को एकटक देखते हुए कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे तो लगता है ये उल्लू यहाँ पर किसी को संदेश पहुंचाने के लिए आए हैं। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, संदेश? पर ये यहाँ पर किसे संदेश पहुंचाने के लिए आया होगा? कछुआ परेशान होते हुए कहता है, पता नहीं यार, पर ये यहाँ पर आया है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी को संदेश पहुंचाने के लिए आया होगा, क्योंकि इसका यूज संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता है और फिर किसी काम के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। यामिनी उस उल्लू को देखते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहती है, मैं अभी अपना ताज लेकर आती हूँ और इस उल्लू से पता लगाती हूँ कि यह क्या संदेश लेकर आया है। यामिनी वहां से कहीं जाती उससे पहले ही कछुआ उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ यामिनी, ऐसा मत करना, वरना तुम्हें ये तो पता चल जाएगा कि उसके पास क्या संदेश है, पर ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि वो किसके लिए संदेश लेकर आया था और उसे किसने भेजा था। कछुआ अपनी शक्तियों पर घमंड करते हुए कहता है, मेरे पास भी तो सौदाई की शक्तियां हैं, मैं भी तो उसे नीचे बुला सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं सब कुछ पता लगाना चाहता हूँ, जिसके लिए आया है उसके बारे में भी और जिसने इसे भेजा है उसके बारे में भी, मेरे पास भी कोई कम शक्तियां नहीं है यामिनी। कछुआ की ये बात कहते ही कायर कछुए को घूरने लग जाता है, वो समझ जाता है कि कछुए ने कहीं ना कहीं अभी से यामिनी से पंगा लेना शुरू कर दिया था। कछुआ यामिनी को एहसास कराना चाहता था कि उसके पास भी शक्तियां हैं। यामिनी कछुए से पलटकर कुछ कहती है, उससे पहले ही युग झट से बोल पड़ता है, कछुआ ठीक कह रहा है यामिनी, तुम अभी कुछ मत करो, हमें यहीं पर इंतजार करना चाहिए। यामिनी मुंह बनाते हुए कहती है, इंतजार करना चाहिए पर किस चीज का युग बाबू? युग उस उल्लू को देखते हुए ही कहता है, उस शख्स के आने का जिसके लिए ये संदेश लेकर आए हैं। यामिनी डाउट के साथ कहती है, पर अगर ये कुछ कुछवा कहीं और चले गया तो? कछुआ तुरंत बोल पड़ता है, ये कहीं नहीं जाने वाला है यामिनी, जब तक अपना संदेश पहुंचा नहीं देता है। तुम देख नहीं रही हो, ये हवेली के चारों तरफ ही बार बार घूम रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो संदेश लेकर आए है वो हवेली में ही किसी शख्स के लिए लेकर आया होगा। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा कछुआ तूने, हवेली के ही किसी शख्स के लिए? कछुआ हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग, हवेली में ही किसी शख्स के लिए। कायर उस उल्लू को देखते हुए कहता है, पर ये कुछ कुछवा हवेली में किसके लिए संदेश लेकर आया होगा? यामिनी तुरंत बोल पड़ती है, मुझे तो लगता है ये कुछ कुछवा जरूर वंदना भाभी के लिए ही आया होगा, आखिर उन्होंने भी तो चित्रा आंटी को बुलाने के लिए कुछ कुछवा भेजा था, तो हो सकता है कि चित्रा आंटी ने भी बदले में इसे वापस भेजा हो। कछुआ तुरंत यामिनी की बात से इनकार करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ कुछवा को कोई आम इंसान नहीं बना सकता है, कोई सौदाया, सौदाइन या फिर तंत्र मंत्र का जानकार ही कुछ कुछवा को बना सकता है, और मुझे तो लगता है चित्रा आंटी को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि कुछ कुछवे की तरह कोई चीज भी होती है। कायर हिचकिचाहट के साथ कहता है, ये भी तो हो सकता है ना कि वन्ना भाभी ने जो कुछ कुछवा भेजा था वही चित्रा आंटी ने वापस भेज दिया हो। कछुआ झट से पलट कर कहता है, नहीं कायर, ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब कुछ कुछवा अपना संदेश पहुंचा देता है तो उसी वक्त नष्ट हो जाता है,
उसका कोई वजूद नहीं बचता है। कोई कुछ और सवाल पूछता उससे पहले युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, वो देखो जल्दी आसमान में उस कुछवे को। युग की ये बात कहते ही बाकी सब हड़बड़ाहट के साथ आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं और देखते हैं कि कुछवा आसमान में एक ही जगह पर आकर रुक गया है। अब वो हवेली के चारों तरफ नहीं घूम रहा है। कुछवा उल्लू का आकार काफी बड़ा था और उससे आग की लपटें भी निकल रही थी, जिस कारण वो युग, यामिनी, कायर और कछुए को एकदम साफ नजर आ रहा था। उस कुछवा उल्लू की आंखें एकदम सफेद थी। कायर उस उल्लू को देखते हुए कहता है, यार ये कुछवा तो एक ही जगह पर आकर रुक गया, ये थक गया है क्या जो अब हवेली के चारों तरफ घूम नहीं रहा है। कछुआ कायर पर चिढ़ते हुए कहता है, ये थका नहीं है पागल, भूल मत ये ऐसा वैसा उल्लू नहीं है, ये कुछवा उल्लू है जिसे मंत्रों की शक्ति से जादू करके बनाया जाता है, ये कभी नहीं थकते हैं। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, तो फिर ये रुका हुआ क्यों है एक जगह पर, इसे तो घूमते रहना चाहिए था जब काले जादू से बना है तो। कछुआ कायर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये रुका हुआ इसलिए है बेवकूफ क्योंकि जिसके लिए ये संदेश लेकर आया है वो इसके आसपास ही कहीं ना कहीं मौजूद है और इसके पास ही आ रहा होगा, इसलिए ये रुक गया ताकि जिसके लिए ये संदेश लेकर आया है उसकी इस पर नजर पड़ जाए। कायर खामोश खड़ा रहता है, इस बार पलट कर कुछ नहीं पूछता है। सभी लोग कुछवे उल्लू के साथ हवेली के ऊपर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। सभी लोग एकटक नजर से कुछवा उल्लू को देख ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि हवेली के अंदर से सफेद साड़ी में एक औरत बाहर आती है। उस औरत की साड़ी मात्र देखकर हर कोई समझ जाता है कि वो कौन हो सकती है। यामिनी झट से कहती है, मैंने कहा था ना ये कुछवा उल्लू वंदना भाभी के लिए आया है, देख लिया कछुआ तूने। इस बार कछुआ पलटकर कुछ नहीं कहता है, बस अजीब सा मुंह बनाने लग जाता है। वंदना बड़ी ही चालाकी के साथ अपने आसपास देखती है और जब वो पूरी तरह श्योर हो जाती है कि उसे कोई देख नहीं रहा है तो वो हवेली के आंगन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। जैसे ही वंदना अपने कदम आगे बढ़ाती है कुछवा उल्लू भी आसमान से नीचे की तरफ आने लग जाता है। जैसे जैसे कुछवा उल्लू ऊपर से नीचे की तरफ आते जा रहा था उसका आकार छोटा होते जा रहा था। वंदना आंगन के बीचों बीच आकर खड़ी हो जाती है और अपना सीधा हाथ आगे कर देती है। वो कुछवा उल्लू वंदना के हाथ पर आकर बैठ जाता है। ये हैरान करने वाली बात थी कि वो कुछवा उल्लू आग का बना हुआ था फिर भी वंदना का हाथ जल नहीं रहा था। वो बड़े आराम से वहां पर खड़ी हुई थी और धीरे धीरे काली बारिश की बूंदों में भीग रही थी। वो कुछवा वंदना के चेहरे को पहले तो एकटक नजर से देखते रहता है और वंदना भी एकटक उसकी आंखों में देखती रहती है और देखते ही देखते कुछवा वंदना के कान में कुछ कहने लग जाता है। कायर धीरे से कहता है, ये उल्लू वंदना भाभी के कान में क्या बोल रहा है। कछुआ मायूसी के साथ कहता है, वो हमें सुनाई नहीं देगा क्योंकि वो कुछवा बस वंदना को संदेश पहुंचाने के लिए आया है तो उसे ही सुनाई देगा। यामिनी कछुए पर गुस्सा करते हुए कहती है, इसलिए कछुए मैं कह रही थी कि मैं अपने ताज की शक्ति का उपयोग करती हूँ, पर तुझे तो अपनी होशियारी दिखानी थी ना, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कुछवा वंदना को क्या संदेश देने के लिए आया है, उसे किसने भेजा है। कछुआ फिर पलट कर यामिनी से कुछ नहीं कह पाता है। वो जानता था कि उसकी गलती थी, उसके दिमाग से ये बात निकल गई थी कि कुछवे की बातें सबको सुनाई नहीं देती है, बस जिस तक संदेश पहुंचाना होता है उसे सुनाई देती है। जैसे जैसे वो कुछवा वंदना को संदेश बताते जा रहा था उसके माथे पर शिकन की लकीरें बढ़ते जा रही थी। युग परेशान होते हुए खुद से बड़बड़ाता है, ये कुछवा आखिर क्या संदेश दे रहा होगा वंदना भाभी को। कुछ ही पल बाद कुछवे का वंदना को संदेश देकर खत्म हो जाता है। वो कुछवा वंदना के हाथ पर से उठने लग जाता है और जैसे ही अपने दोनों पंख फैलाता है कुछवा आग के साथ ही बारिश की बूंदों में एक पल में गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पहले कोई अस्तित्व ही ना हो। कुछवा पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, उसका कोई वजूद नहीं बचा था। कुछवा उल्लू के नष्ट होते ही वंदना फिर अपने आसपास देखती है और जब वो फिर एक बार पूरी तरह श्योर हो जाती है कि उसे कोई नहीं देख रहा है तो हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है, पर वो हवेली की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाती है बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाती है जैसे वो कहीं और जा रही हो। कायर वंदना को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, ये वंदना भाभी कहाँ पर जा रही है। कछुआ परेशान होते हुए कहता है, पता नहीं यार, अब ये इतनी रात में कहाँ पर जा रही है, मुझे तो ना तेरे परिवार के सदस्य ठीक ही नहीं लगते हैं, सब एक से बढ़कर एक है, कब कौन क्या कर दे कुछ नहीं कह सकते। युग हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, हमें वंदना भाभी का पीछा करना होगा, देखना होगा कि वो इस वक्त कहाँ पर जा रही है। यामिनी युग को मना करते हुए कहती है, पर युग बाबू आप देख नहीं रहे, बाहर काली बारिश हो रही है,
ऐसी काली बारिश में आप बाहर कैसे जा सकते हैं? युग चिढ़ते हुए कहता है, बारिश हो रही है तो मैं क्या करूं यामिनी, अब मैं वन्ना भाभी के वापस आने का इंतजार तो नहीं कर सकता ना, वरना वो फिर झूठ बोलने लगेगी और हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि वो इतनी रात में कहां पर जा रही है। कछुआ युग का साथ देते हुए कहता है, युग बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें वन्ना भाभी का पीछा करना चाहिए, तभी हमें अब पता चल पाएगा कि कुछ कुछवे ने उन्हें क्या संदेश दिया है और सबसे जरूरी बात, आखिर उसे भेजा किसने था। यामिनी कछुए पर गुस्सा करते हुए कहती है, पर बारिश का क्या कछुआ, तुम जानते हो ना ये काली बारिश है और सबसे ज्यादा युग बाबू के लिए ही नुकसानदायक है। कछुआ कुछ सोचते हुए कहता है, उसका भी इंतजाम है यामिनी मेरे पास, तुम उसकी फिक्र मत करो, बस अभी जल्दी से हवेली से बाहर निकलो वरना वंदना भाभी कहाँ निकल जाएगी हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर कछुआ छत पर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाने लग जाता है, बाकी सब भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। वो लोग हवेली के बाहर निकल जाते हैं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।